मैं नेहा त्रिपाठी स्वास्तिक पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेस के स्टोरी सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है जानवरों की सूझबूझ। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। शहर से दूर नंदनवन नाम का एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था जहाँ सभी जानवर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन वहाँ मिट्ठू नाम का तोता शहर से आया। पहले वो इसी जंगल में रहता था पर बहुत समय पहले ही कुछ लोग जंगल आए और पकड़कर उसे शहर ले गए। उस दिन के बाद मिट्ठू कभी दिखाई नहीं दिया। मिट्ठू जंगल वापस कभी नहीं आया पर आज अचानक वह वापस आ जाता है और देखता है कि सभी जानवर जंगल में पार्टी कर रहे हैं। तभी सामने से शेर खान का बेटा चीकू आकर मिट्ठू तोते से पूछता है, अरे मिट्ठू भैया, बड़े दिनों बाद जंगल आए, कैसे हो भैया, शहर के क्या हाल है? मिट्ठू तोता कहता है, क्या बताऊं भाई, शहर में तो बहुत खराब हाल है। शहर में एक बहुत खतरनाक बीमारी फैली है, उसका नाम है कोरोना। और तो और भैया, इसका कोई इलाज ही नहीं, इसका बचाव ही इसका इलाज है। मिट्ठू चीकू से कहता है, चीकू भैया तुम जल्दी जाओ और सारे जानवरों की सभा बुलाओ, हमें अपने जंगल को इस लाइलाज बीमारी से बचाना होगा। और चीकू जाकर सभी जानवरों को सभा की सूचना देता है और सभा में समय पर आने के लिए कहता है। सभा में जंगल का राजा शेर खान सभी जानवरों को बताता है, शहर में एक कोरोना नाम की बीमारी फैली है, हमें अपने जंगल को इससे बचाना है। जैसा कि मिट्ठू ने बताया है, ये एक दूसरे के छूने से फैलती है। इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं, इसका बचाव ही इसका इलाज है। आज से जंगल के सभी जानवर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, समय समय पर अपने हाथ साबुन या सैनिटाइजर से धोएंगे और एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे। और इसके बाद सभी घर पर रहकर राजा का कहना मानते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं। सभी जानवर कुछ दूरी बनाकर ही जंगल में घूमने लगते हैं और मास्क लगाकर इधर उधर नहीं जाते, अपने घर पर रहकर ही सारे नियमों का पालन करते हैं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं और समय समय पर अपने हाथ धोते रहते हैं। उस दिन के बाद सभी जानवर अपने घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के राजा द्वारा दिए गए सारे नियमों का पालन करने लगे। इस प्रकार सभी जानवरों ने मिलकर अपनी सूझबूझ से कोरोना को हराकर अपने आप और अपने जंगल को कोरोना से बचाया। तो प्यारे बच्चों,
हमें भी इसी समझदारी के साथ कोरोना को हराना है और अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से बचाना है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? तो आज का आपका होमवर्क है, आपने ये जो स्टोरी देखी है उसमें बहुत सारे हमने जानवर देखे, तो जो भी जानवर आपको पसंद है उसकी पिक्चर आपको एक शीट पर बनानी है और उसमें कलर करने के बाद उसे अपनी कॉपी पर पेस्ट करना है। तो आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। हम दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।